महिलाएं हर क्षेत्र में सबसे आगे हैं। नागपुर जैसे शहर में कई महिलाएं प्रशासन, पुलिस और अन्य विभागों में उच्च पदों पर कार्यरत हैं, लेकिन फिर भी समाज में भ्रूण हत्या की दर में कमी नहीं आई है। जिला कलेक्टर आर विमला ने ये कहा। उन्होंने कहा कि इसके लिए लड़कियों को उचित शिक्षा के साथ साथ अभिभावकों को भी इसके प्रति जागरूक होने की जरूरत है। जिलाधिकारी कार्यालय स्थित छत्रपति सभागृह में प्रमुख सचिव द्वारा आज जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की उच्च स्तरीय बैठक की गई। इस बार उन्होंने जिले में मॉनसून की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने आपदा प्रबंधन में उपकरण, मशीनरी, अंतर्राज्यीय समन्वय, मौसम पूर्वानुमान और आधुनिक तकनीक को शामिल करने के मुद्दों पर वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन किया। सटीकता आपदा प्रबंधन का एक प्रमुख तत्व है। कोई भी मानवीय भूल भारी पड़ सकती है, इसलिए आपदा प्रबंधन में सटीकता की आवश्यकता होती है। उसके लिए तकनीक का इस्तेमाल करें। नागपुर जिले से बहने वाली नदियों और उनके अंतर्राज्यीय संबंधों को ध्यान में रखते हुए इस समन्वय को और मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि 2020 की बाढ़ में की गई गलतियों की पुनरावृत्ति ना हो और इससे प्राप्त अनुभव और सामग्री का उचित उपयोग हो सके। कलेक्टर आर विमला ने इस बार बिजली गिरने से बड़ी संख्या में हुई मौतों पर चिंता व्यक्त की। जिले में बिजली गिरने से अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रमुख सचिव ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में यह संख्या 63 हो गई है। उन्होंने राज्य सरकार को इस संबंध में जल्द से जल्द प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अति संवेदनशील क्षेत्रों में नागरिकों के मोबाइल पर SMS भेजने के लिए एक प्रणाली विकसित की गई है। आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक उपकरण मंगवाते समय दीर्घकालीन योजना बनानी चाहिए और अनुबंध को पहले से ही रखना चाहिए। कोई सामग्री नहीं थी, इसलिए इसने मदद नहीं की। इस तरह चिल्लाओ मत, मौसम की पूर्वानुमान की उपेक्षा मत करो। केंद्रीय जल आयोग से लगातार जानकारी का अनुरोध करें। उन्होंने यह भी बताया कि अंतर्राज्यीय समन्वय को बढ़ाकर जानकारी पहले से ही उपलब्ध होगी। बैठक में कलेक्टर आर विमला के साथ संयुक्त पुलिस आयुक्त अश्विती दोर्जे, नागपुर नगर आयुक्त राधाकृष्णन वी, नागपुर सुधार प्रणय के अध्यक्ष मनोज सूर्यवंशी, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, सेना के मेजर निखिल नामवियार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल बिपिन बिहारी सिंह, सिंचाई अधीक्षक अभियंता अंकुर देसाई, इंजीनियर SG सहरे, अमित परांजपे, नगर निगम के अपर आयुक्त राम जोशी, रेजिडेंट डिप्टी कलेक्टर विजया बांकर, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी अंकुश गावंडे समेत अन्य विभाग अध्यक्ष मौजूद थे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज नागपुर।